मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदीद और आप देख रहे हैं इस वक्त स्किल सेगमेंट और विद ब्यूटी सेगमेंट और मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, चाहे मेल हों फीमेल हों यूथ हों बड़े हों, सब माशाल्लाह बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर वुमेंस खास तौर पे सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत सीनियर लोग हैं जिन्होंने अपने काम से अपने ब्रांड का नाम रोशन किया है और पूरे पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन, बहुत अच्छा लगता है। आई फील वेरी प्राउड अपने पाकिस्तानी होने पे, मुझे बहुत फ़ख्र है और हमारे पाकिस्तान के लोगों पे मुझे बड़ा फ़ख्र है और हमारे मुल्क में बड़ी नवादरात है इसमें कोई शक नहीं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होता और हमारे मुल्क उस ख़जाने से जो है ना वो अल्लाह पाक ने उसे बहुत नवाजा है। लेट्स सी आज हमने स्किल सेगमेंट में जिन लोगों को बुलवाया है सबसे पहले मैं उनसे मिलवाती हूँ और मेरी बड़ी प्यारी सी बहन यहाँ पे बैठी हुई है नसरीन बानो और ये जो बता रही हैं ये मोहरे कुछ स्टोन है जहर मोहरा और उसके बारे में बताएंगे और ये बल्तिस्तान में ये पत्थर मिलता है। मैं ये पूछूंगी कि ये पत्थर की क्या फादियत है लेकिन पहले मैं अपनी बहन से मिलवाती हूँ उसके बाद हम इससे रेलेवेंट बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाई कैसे? माशाल्लाह ये हरे हरे पत्थर रखे हुए मैं देख के हैरान रह गई जी बिल्कुल, जिस तरह हमारे झंडे का रंग जो है माशाल्लाह से हरे और सफेद है बिल्कुल इसी तरह से इस पत्थर का रंग भी जो है वो ओरिजिनल जी बिल्कुल ये ओरिजिनल कलर है, ये पत्थर जो है ना वो इसी कलर में ही होता है। और मेरा नाम जो है वो नसरीन बानो फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, मैं रहती कराची में हूँ और इस पत्थर को जो है वो जहर मोहरा कहते हैं। असल में इसका जो काम होता है ना वो जहर को काटने का होता है। अच्छा जी, ये एक्चुअली जो है ना ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो जहरीले कीड़े मकोड़े जैसे काटते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम सो जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं, पता नहीं चलता अचानक से कोई कीड़ा काट लेता है, हाथ सूजा हुआ होता है, पता नहीं चलता किस चीज़ ने काटा है। तो इस तरह की सूरत हाल में जो है ना ये एज मेडिसन यूज़ होता है। इसके अलावा जो है जी जैसे किसी खतरनाक जहरीले जानवर ने काटा हो, जी बिल्कुल सांप ने काटा हो, बिच्छू ने काटा हो जी, या समंदरी किसी जहरीले कीड़े ने, या हम लोग पानी में जाते कुछ ना कुछ काट लेते हैं बिल्कुल, तो ऐसे साथ रख सकते हैं इसका जी बिल्कुल। लेकिन ये कि ये पाउडर फॉर्म में मौजूद होता है तो एज मेडिसिन उसको यूज करते हैं। इसकी कुछ शेप्स क्यों बनाई है जब ये पाउडर फॉर्म में हम यूज करते हैं? तो उसके तो जब पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं तो वो मेडिसिन के तौर पर यूज होता है। जैसे आपको जैसे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हो गए। अच्छा मैं एक सवाल करना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल। एक तो पहला सवाल ये कि ये बल्तिस्तान में अवेलेबल है? जी बिल्कुल ये अच्छा, दूसरा बल्तिस्तान में अवेलेबल है। सुना है कि कुछ लोग इसको घर में डिस्प्ले करते हैं ताकि हमारे पर कुछ प्रॉब्लम जी 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 जैसे जादू वगैरह हो गए, तावीज़ात वगैरह हो गए तो उनके असरात को जो है वो ये जाहिर करता है। उसके अलावा जो है ना नजर बद वगैरह जो होते हैं ना उसके लिए कुदरती दवा है। परवरदिगार ने जिस तरह से कुरान में फरमाया है ना कि अल्लाह चाहे तो पत्थर में जान डाल दे, तो बेशक ये जो है ना ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं हमारे लिए कि परवरदिगार ने जो है हमारे मुल्क को इस कदर कीमती खजाने से नवाजा। मेरी जान ये जो तस्बीह भी है तो इसका मतलब है हम इसको अपने घर में जी बिल्कुल आप वहाँ यूज करें, आप लटकाए आप। अच्छा इस पत्थर की सबसे बड़ी खसूसियत जो है ना वो ये है कि अगर आप इसको खरीदते हो और अगर आप अपने घर में एज डेकोरेशन पीस आपने रख लिया या बर्तन जो है वो इस्तेमाल कर लिए और अगर वो आपसे टूट जाता है अच्छा। तो फिर वो आपके लिए यूजलेस बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि आप उसको पाउडर फॉर्म में करेंगे फिर वो एज मेडिसिन यूज होगा। अच्छा यानी कि वो टूटने के बाद भी आपके लिए फायदेमंद है? जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर जैसे आपको कहीं पाउडर फॉर्म में जो है करने के लिए जगह नहीं मिलती है या कुछ ऐसा होता है तो आप ये पत्थर आप हमें वापस कर दें। अच्छा जी हम आपको इसको पत्थर को जो है पाउडर फॉर्म में बना के हम आपको वो। लेकिन मैं हैरान हूँ आज तक इसके बारे में किसी ने इस लैंग्वेज में मतलब अवेयरनेस नहीं दी। मैं तो बड़ी आई फील वेरी प्राउड कि विनस टीवी पे गुड मॉर्निंग विद सभी के चैनल के ऊपर इस वक्त मैं ये कहूँगी मॉर्निंग शो में कि स्पेशली इसकी अवेयरनेस दी जा रही है और इसे कहते हैं जहरे मोहरा। और मैंने इतने सारे इतने सालों से प्रोग्राम देख रही हूँ बट मैंने इतने मॉर्निंग शो में नहीं देखा या किसी भी प्रोग्राम में चैनल पर नहीं देखा। फर्स्ट टाइम जो है ना आपके शो में जो है ना ELP के प्लेटफॉर्म से मैं आपके शो में फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच ELP का भी थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे जो है ये प्लेटफॉर्म दिया।
ठीक है ना। तो फिर जो है ना ये पत्थर जो है ना इसके मैं यहाँ लाने का जो मकसद है मेरा, कराची से मैं यहाँ पे जो है ना ये काम इसलिए चला रही हूँ। मेरी प्यारी बहन ने हर उसमें रखा है, आप इसको ट्रे की फॉर्म में देखिए, वहाँ की चेन भी पड़ी हुई है जी, और छोटे छोटे बच्चों से जैसे बच्चे भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और खासतौर पर जैसे घर में आप इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, और इनके बर्तन जो है वो यूज करेंगे तो फिर ऐसा ये होगा कि आपकी बॉडी जो है ना आपके इम्यून सिस्टम जो है ना उसको जो है ना जहर से लड़ने की ताकत आपको मिलेगी। इसमें खाना डाल के खा सकते? बिल्कुल क्यों नहीं। आप कैसी कैसी बातें कर रही, मतलब सरप्राइज लग रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये ग्लास है जी जी, आप यूज करें, पानी पिए, ठीक है, बॉडी जो है इसको यूज में रखने से जो है ना आपके इम्यून कितने का ऐसी का कॉस्ट होगी जी? ये जो है ना वो आपको पड़ेगा तकरीबन 8000 का। 8000 का? अच्छा, ये बड़ा एक्सपेंसिव है। बिल्कुल एक्सपेंसिव, इसीलिए कि एक तो इसको तराश खराश में जो है ना बहुत मेहनत। अच्छा चले, मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगी, कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह, अपने तो मेरे साथ ही रहने। अच्छा जी, मैं अपनी क्या बोलूं, नसरीन बानो ने तो आज बहुत सारे सरप्राइज दिए, और इनके साथ ही हम रहेंगे थोड़ी देर, और भी गुफ्तगू चलती रहेगी, और बात करूंगी यहाँ पर जब एंटरप्रेन्योर्स वुमेन हो, स्किल सेगमेंट हो, तो ऑफ कोर्स ब्यूटी सेगमेंट ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो मैं चाहूंगी सिद्रा से मैं बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। हमारी ब्यूटीशियन सिद्रा, कैसी हैं आप? ठीक है, सिद्रा सलोन से, ऐसा ही है जी? बिल्कुल। कैसा लगा यहाँ पर आना सिद्रा? बहुत अच्छा लगा, हम वैसे ही पीबीआई के मेंबर हैं और समझ लो फैमिली मेंबर ही। क्या बात है, क्या बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि आपके जो है काम को दुनिया तक और लोगों तक दिखाएं, और ब्यूटीशियन तक वो भी सीखे आपसे। आज मुझे पता है क्या ब्राइड है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। मेहंदी ब्राइड किया है, ओके, कैमोफ्लाज किया है पहले, क्रायलून बेस पे काम किया है पूरा, क्रायलून बेस पे वर्क किया है पूरा, देन बेस की है, ओके, ब्लश ऑन सारा वर्क कर दिया है, बस आई मेकअप कर रहे हैं स्लो स्लो। हाँ बिल्कुल, साथ चलते रहे। नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत जबरदस्त लाइट सा ड्रेस जो उसके ऊपर है मेहंदी मेकअप। चले आप स्टार्ट करें सिद्धा, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मिस, बस आपके साथ। अच्छा, आप आराम से काम कीजिए। अच्छा जी, जब बात हो रही है आपके मेकओवर की, और फिर उसमें हम शादियों की, ऑफकोर्स सुबह भी मैं बात करी थी, शादियों का सीजन है, लोग तैयार हो रहे हैं, अच्छा वेयर कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ज्वेलरी बड़ी काउंटेबल। आप देखें मैं आगे कुछ ज्वेलरी वगैरह पड़ी हुई है, तो ऑफकोर्स मैंने भी आज पर्ल वगैरह देखे ना, आपने ज्वेलरी पहनी, तो लाइक ये बड़ी काउंट करती है। जब आप अपना अच्छा हल्का सा सॉफ्ट मेकअप करें, या आप किसी पार्टी पे जाएं, तो देन आप अपने हाथों में कुछ रिंग्स पहन लें, तो ज्वेलरी बड़ी काउंट करती है। लेकिन आप ये सोचें कि बहुत ज़्यादा, पहले एक मैंने देखा था एक दौर था कि ख़वातीन जो है ना भर भर के सोना पहन लेती थी, देन प्रेजेंट करी थी आई एम वेरी रिच, लेकिन जैसे ही जैसे क्राइम बढ़ते चले गए तो लोग ज़रा सा नीचे आ गए, उन्होंने बोला इससे बेहतर है कि हम भी अगवा हो जाएं, तो ज़रा सा हल्का हाथ रखें, तो बहुत फिर डिफरेंट स्टाइल चीज़ें आने लग गई। तो आज हमें अच्छा लगा, हमने कहा कुछ आपको ज्वेलरी के बारे में भी अवेयरनेस दें, क्योंकि ये ब्यूटी सेगमेंट है। यहाँ पर वो शख्स मौजूद हैं जिनको हर चैनल्स पे आप देख चुके हैं, उन्होंने कोई चैनल नहीं छोड़ा माशाल्लाह से, आर्टिस्ट भी हैं, और अक्सर मैंने देखा इनको निकाह खवानी के बड़े अच्छे फ़राइज़ अंजाम भी देते हैं, मैंने इनको कुछ सेगमेंट्स में भी देखा, अच्छा लगता है, मल्टी टैलेंटेड पर्सन। फिर डिफरेंट होटल्स में इन्होंने मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया, और एक बड़ा नाम है ज्वेलरी में जो चांदी की धात इस्तेमाल करते हुए सोना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं मुझे ज़्यादा नॉलेज शायद नहीं होगी, अब आप देखिएगा अबू रूहान इज़ अ बिगेस्ट नेम इज़ अ ब्रांड, और इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद है अबू रूहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपकी ज़ियाफ़त और बुलाने का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। आपकी दुआ से 32 मुल्क तो देखे हैं आपके अंकल ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं अभी बैठे ही सोच रहा था आपके चैनल के नाम को, वीनस जब कहे ना जी जी, तो यूरोप में वीनस जो जगह है जी जी, वो तो हनीमून का हेडक्वार्टर है। अच्छा। और प्यार का मंबा है, पीपल थिंक ऑफ के यार आई टेक माय वाइफ टू वीनस फॉर द हनीमून और एटसेट्रा। अच्छा। तो मुबारक हो, आपका नाम बड़ा प्यारा है। थैंक यू। और आप तो प्यार बांट रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया आपने जो मेरा तारुफ कराया। मैं एक बात आपको शेयर कर दूं कि और व्यूअर्स के लिए मैं खास तौर पे एक बात करूं। जी सर। देखिए इंसान को ज़िंदगी में
खुद मुख्तार नहीं होता इंसान। आप मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात की। और जो लोग आज तक 16-17 साल हो गए मुझे मधु करते हैं शोज में या प्रोग्राम्स में जी। मैं उन सब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपके साथ, आपका भी। और हकीकत बता रहा हूँ कि जब मैं रात को सोने से पहले मैं बाकायदा नवाफिल पढ़ता हूँ और मैं जाने अनजाने सब मोहसिनों के लिए दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे मोहसिनों को अजर अजीम अता फरमा, आमीन आमीन सुमा। और ये जो आप मीडिया वाले मेरे मोहसिन हैं, कौन जाने किसी को, ये आप लोगों का एहसान है और अल्लाह इसको मेरे शुक्राने को कबूल फरमाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। समझ सो के कहें कि व्हाट इज़ अबू रूहान, रूहान मेरे बेटे हैं ओके, तो मैं अबू रूहान हूँ। अच्छा, रूहान इज़ अ टर्किश नेम। मैं 18-17 साल का था, तुर्की में इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में मेरा दोस्त था टर्किश, उसका नाम रूहान। तो मुझे तो शऊर भी नहीं था शादी क्या बच्चे क्या, तो बस दिल में आया कि जब अल्लाह मुझे बेटा देगा तो उसका नाम रूहान रखेंगे। अच्छा, तो रूहान अल्लाह ने अता फरमाए और वो रूहान हुए, तो हम अबू रूहान हो गए। मेरा नाम फरीदुल्लाह शेख है इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद द होटल इंडस्ट्री एंड ऑल, बट अबू रूहान इज़ द टाइटल। मैं व्यूअर्स के साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा जी जी, जब बेटा देखें, जब ये अल्लाह ने काम शुरू कराया जी, तो जैसे कार्टियर, क्रिस्टियन डियोर पाकिस्तान में माशाल्लाह माशाल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए, जुनैद जमशेद और कितने लोग हैं जिनके ब्रांड उनके नाम से पहचानी जा रही है। हकीकत है, हकीकत है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो दिल में ये बात आई कि जब वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, उन्होंने अपनी मेहनत की, मुझे भी अल्लाह तौफीक देगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं अबू रूहान, और आज अल्लाह के फजल करम से ये सफेद दाढ़ी और टोपी को अल्लाह ने पहचान बना दिया और ये अंकल जो है वो अबू रूहान हो गए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये आपकी माशाल्लाह ज्वेलरी मेरे आगे लगी हुई है और मैं इसमें बड़ी प्रीति लग रही हूँ ये इसके बारे में बताएं, और ये कंगन में देख रही हूँ, मेरी नज़र बार बार पड़ रही है, ये गोल्ड के कलर्स है, ये देखिए जी नाज़रीन देखिए फोकस हो रहा है, और ये बताएं ये गोल्ड है कि नहीं है, पहले ये क्लियर करें हमारे नाज़रीन, क्योंकि ये ब्यूटी सेगमेंट और ब्यूटिशियन बॉडी इस वक्त देख रही होंगी। मैं आपको अर्ज करूं, आपने सोने का नाम लिया तो मैं हिल जाता हूं, डर जाता हूं। Really, I'm telling you, मेरे ये मेरा अपने आप से वादा है और मेरा किरदार है कि अगर हमारे आउटलेट में शॉप में कोई खातून कहती है ये सोना निकाल के कहीं ऐसा करना, मैं कहता हूं भाई पहले इसको हटा लो, मैं पीछे हट जाता हूं। मैं रिलीजियसली सिल्वर ज्वेलर हूं। अच्छा, इजाजत है, कॉलर है हमारे, प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। या या अस्सलाम, सभी कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। सो हेलो, सभी कैसी आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है, मैं बहुत अच्छी हूँ। यकीन करें कि अबू रूहान भाई को देख के इतनी खुशी हुई है, और एक्चुअली मैं तारीफ रोड से गुजरता हूँ, उनकी शॉप पे इनका नाम लिखा हुआ नजर आता है, मेरा भी शोरूम इतवा के पीछे ही है गाड़ियों का, तो मैं देखता हूँ, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त है ना, जो ये काम करते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन इनकी गुफ्तगू का अंदाज, इनका बोलने का तरीका, इनकी पर्सनैलिटी जब है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको अल्लाह ताला सेहत दे। इनसे मेरा सवाल ये, देखिए एक तो ये सोने के बारे में मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि सोना मर्दों के लिए हराम कर दिया गया, ठीक है, इसमें और किस हद तक आदमी पहन सकता है, किस तरीके से पहन सकता है, तो ये सवाल है। दूसरा ये बात है कि मुझे बताएंगे ये जो चांदी का ये काम करते हैं, तो चांदी के अंदर हम जैसे मर जाएं तो उनके लिए क्या चीज मौजूद रहती है, और ये जो अंगूठियां जो हम पहनते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म भी आ रहे हैं इसके बारे में, पत्थरों के असरात के बारे में। अब जैसे मेरा, मैं नहीं पहनता, लेकिन अगर मैं पहनना चाहूँ, मेरा स्टार जो है ना बेसिकली कैंसर है, ठीक है, और मैं अगर पहनना चाहूँ अपने इसलिए पहनना चाहूँ कि मेरे लिए कोई मतलब रूहानियत पैदा हो जाए या मेरे अंदर ऐसी कोई चीज पैदा हो जाए, तो वो कौन सा पत्थर है जिसको मैं पहनना चाहता हूँ, पहन सकता हूँ, ये मेरा सवाल है। ओके ओके जी, अबू रूहान साहब, या बहुत शुक्रिया, और इतने आप देखते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरा ऑब्जर्व करते हो, यकीन करें बड़े गौर से ये देखते हो, समझते हैं, और फिर कॉल भी इस तरह करते, जवाब दे अब इनको। ये तो आपके प्रोग्राम का मुकाम है जिसको लोग अच्छी तरह देखते हैं, इवन मी जो आपका रिपीट होता है, आपकी आंटी जो है माय वाइफ, माय डार्लिंग वाइफ, वो भी देखती है बड़ा माशाल्लाह। तो कहीं अच्छा आप उसके प्रोग्राम में जा रहे हो, वो जो आती है, मैंने कहा हाँ भी आज तो उधर जा रहा हूँ।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुछ जवाबात जो सवाल हुए। देखिए, बीइंग ए मुस्लिम, रेशम और सोना मर्द के लिए हराम है। मर्द के लिए हराम है लेकिन औरत के लिए इनाम है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ने ये इनाम दिया है औरतों के लिए। जवाहरात जो हैं ये भी अल्लाह का इनाम है। बेशक। इनका एक सवाल था कि कितनी चांदी पहन लें। तो आम तौर पे जो हम पर लोग, बड़े बुजुर्ग लोग भी आते हैं माशाल्लाह, तो जो हमने देखा और सुना है कि 4.5 ग्राम की अंगूठी में जो भी आपका मिजाज का पत्थर है वो लगा के, दैट इज फेयर एनफ। ओके। लेकिन अब लोग हाथ में ब्रेसलेट पहन लेते हैं, गले में चेन पहन लेते हैं। मैं उसका तो जवाब दे नहीं सकता, जो हर किसी की अपनी अपनी अपने मिजाज और अपने शौक की बात है। देन अगेन, पत्थर के बारे में मैं ये गुजारिश करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ए मुस्लिम कंट्री, वी आर मुस्लिम पाकिस्तान। अल्लाह तबारक व तआला, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरे सजदों को कबूल फरमाए। आमीन 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 आमीन। जब अल्लाह का बंदा और बंदी सजदे में होता है तो अल्लाह को प्यारा लगता है कि देखो मेरा बंदा अब सजदे में मेरे सामने। बड़ी हमारा सजदा कबूल हो जाए, हाथ उठा के दुआ करें, रब से बातें करें। मैं तो इसका कायल हूँ और ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुजुर्ग में आ गया, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई। मैं जब किसी इंसान से किसी मरहले का जिक्र नहीं करता जी। और मैं बर्दाश्त करके खामोश हो जाता हूँ और फिर मैं सिर्फ रब से खामोशी से बात करता हूँ, वक्त नहीं गुजरता कि मेरा काम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब बात यह है कि हम पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, बहुत शुक्रिया कि मुझे ये बात करने का मौका आप दे रही हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। बेशक। कहाँ भटकूँ मैं, तो मेरा रब है। अल्लाह हमारे यकीन को पुख्तगी अता फरमाए। आमीन आमीन। देन अगेन, बड़ी प्यारी बात इन्होंने की कि साहब ये सोने जैसी चांदी ये वगैरह तो सोने जैसी चांदी। मैं आपको अर्ज करूँ, देखिए बेटा, मैं बेटा कह रहा हूँ, आप मेरी बेटी जैसी। हाँ हाँ, सो बिस्मिल्लाह, आप कहें क्यों नहीं कहेंगे। देखिए मैं आपको गुजारिश करूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो इतनी उम्र ने जो सिखाया है। बेशक। मैं दो बातें जिंदगी में मेरी बुनियाद है, एक तो है कि 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है जी, है 1000 मील है लेकिन एक कदम उठाओगे तो कम होगा। नंबर वन, कदम उठाते जाओ मंजिल पहुंच जाओगे जी। दूसरी बात यह है जो मेरे किरदार में है कि जिस काम को जुनून की हद तक नहीं करोगे उसकी मिराज को नहीं पहुंचोगे। बेशक, बिल्कुल अबू रूहान साहब ने सही कहा कि आप जुनून की हद तक किसी चीज़ को नहीं पहुंचोगे, पॉसिबल ही नहीं होगा। मेरी प्यारी बहन, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपके साथ भी चलेंगे, इनके साथ भी चलेंगे, बारह सोच रही हैं कि मैं भी बैठी हूँ, मुझसे बात ही नहीं कर। अच्छा ये बताएं कि ये इसका कहाँ से आपको क्रेज़ बढ़ा कि ये करना चाहिए? ये मुझे इस तरह से हुआ कि मैं जो है ना 2018 में मैं अपने भाई की शादी में गई थी। okay. क्योंकि मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ तो उसकी शादी में गई थी। तो मेरा माशाल्लाह से हमारा वतन इतना खूबसूरत है और फिर गिलगित बल्तिस्तान तो फिर जन्नत नज़ीर है, ठीक है ना। तो फिर जब मैं वहाँ पर गई तो फिर तब तो मुझे इतना नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं वापस आई तो मेरी एक दोस्त ने जो है ना एक स्टेटस लगाया, तो फिर मुझे खुद मतलब पहले इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर जब मैंने उसका स्टेटस देखा तो मैं एकदम से वो हो गई कि वाकई में ये तो मुझे मालूम था कि ये वहाँ है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मतलब जी बिल्कुल। फिर जब मैंने पूछा अपने घर वालों से, अपने अब्बू से, इन सबसे जब मैंने पूछा, अपने फादर इन लॉ से, इनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि बेटा ये तो ये है, ये जो आप जो पहन के बैठी हुई है यही तो है, क्योंकि घर में जो है अमूमन हम बच्चों को जो है पहनाते ही रहते हैं। तो फिर ये है इसके ये फवायद हैं। फवायद भी बता जी। तो फिर मुझे ये हुआ कि जब मैं गांव गई थी तो मैंने ये तो देखा था कि वहाँ पे जो है ना फॉरेन कंट्रीज से लोग आते हैं और वो बहुत लेके जाते हैं। लेकिन एक और बताओ इम्पोर्टेंट मेरे जहन से सवाल, इसको अगर हम पहन के रखें तो हमें इससे क्या फायदा होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी कोई माला पहन लिया या कोई यहाँ पे हाथ अंगूठियाँ पहनते हैं। अच्छा। लोग जो है ना इयर रिंग्स पहनते हैं और क्या कहते हैं ये ब्रेसलेट वगैरह जो है। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल ये पहनते हैं। और फिर जो है
अच्छा, इसको उतारना पहनना कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कोई वो नहीं, इसके जैसे साइड इफेक्ट जैसे बोलते हैं ना मेडिसिन के तौर पे भी अगर कोई यूज करता है तो लोग कहते हैं कि हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अच्छा जी, और जैसे हम पहन के रखते हैं इसलिए कि ताकि एक तो इसका कलर इतना खूबसूरत होता है कि हर किसी की जो पहली नजर होगी ना वो इसके कलर पे पड़ेगी, तो फिर वो कलर जो है वो उसके नजर की जो नजर तोड़ेगा जैसे। जी बिल्कुल, क्योंकि ये नजरें बच के तुम्हें कुछ नहीं देना और ये मेरे हाथ से नहीं उतरेगा, क्योंकि मैं कभी ज्वेलरी नहीं पहनती इतनी शौक से। ये प्रोग्राम तो गया नसरीन, मानो गया ये। अच्छा जी, नसरीन हमारे दरमियान मौजूद है, अब रुवान साहब मेरी चटपट देख रहे हैं कि हाँ ये लड़की तो लूट रही है सबसे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वापस कर दूंगी, मजाक कर रही हूँ। अच्छा जी सिद्रा मेरी जान, कहाँ तक पहुँची है आप? आई मेकअप कहाँ तक पहुँचा? आई मेकअप भी डन हो गया तकरीबन, तो लिपस्टिक लगाए ना जल्दी करें। हाँ, बस। जी ना, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सिद्रा भी मौजूद है, ब्यूटिशियन एंड हमारे दरमियान जो है बानो भी मौजूद है, और बानो नसीन बानो भी मौजूद है, और अबू रुवान साहब भी मौजूद है। यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।